हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। हम लोग कक्षा 11वीं की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक को पढ़ रहे थे। इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है आज हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये पृथ्वी बनी कैसे, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, आखिर ये सोलर सिस्टम या सौर मंडल किस तरीके से बना। फिर हम लोगों की जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हम सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को चैप्टर में मिलने वाले हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को पाठ परिचय या रोड मैप बता देता हूं कि हमारे इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है आरंभिक सिद्धांत के बारे में। देखिए, जब भी कोई साइंटिफिक थ्योरी आती है या हमें कोई चीज दिखाई देती है और हम उसके पीछे कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उन चीजों को जिसने देखा या उनके बारे में या उनको समझाने के लिए जिन लोगों ने अपनी फिलॉसफी दी, उसी को हम बोलते हैं आरंभिक सिद्धांत। जैसे कि किसी ने अगर देखा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर किसी ने सोचा ही सिर्फ और उसके बाद अपनी कुछ फिलॉसफी दे दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये काउंट होंगे आरंभिक सिद्धांतों में, कि शुरुआत में किस तरीके के तर्क जो थे वैज्ञानिकों ने या दार्शनिकों ने या भूगोलवेत्ताओं ने प्रस्तुत किए, तो उन सभी सिद्धांतों का संग्रह यहां पर आएगा आरंभिक सिद्धांतों में। इसको हम आरंभिक परिकल्पनाएं भी बोल सकते हैं और थ्योरीज भी बोल सकते हैं। फिर हम लोगों को आज के समय में यह पढ़ना है कि आधुनिक सिद्धांत क्या है। दरअसल आज अगर हम लोग देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत किए हैं क्या? अगर किए हैं तो उन सिद्धांतों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि आखिर पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में किसी ने अगर कोई ठोस बात कही हो या ऐसी बात जो प्रूफ हो चुकी हो या फिर कोई ऐसी बात जिसका समर्थन आज के अधिकतर भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक करते हैं, उन बातों को हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक सिद्धांत में। फिर हमें पढ़ना है कि तारों का निर्माण जो है वो किस तरीके से, किस प्रकार हुआ। हमें पता है कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, तो तारों का निर्माण किस तरीके से हुआ, हमें आज की इस चैप्टर में हमें इन सब बातों का अध्ययन भी करना है। फिर हमें पढ़ना है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, सौर मंडल हमें पता है, सौर मंडल में विभिन्न ग्रह आते हैं, 8 ग्रहों को तो हमें पता ही है, पढ़ना होता है, तो आखिर इन ग्रहों का निर्माण जो है वो किस प्रकार हुआ। और सिर्फ इन ग्रहों का नहीं, हम लोग देखेंगे कि आगे जो है अनेक आकाश गंगाओं में कौन कौन से ग्रह हैं, और उन सभी ग्रह का निर्माण जो है कोई ना कोई एक थ्योरी या एक तरीके से तो हुआ होगा। उन सभी को हम लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर हमें पढ़ना है कि पृथ्वी का उद्भव। दरअसल जब हम पृथ्वी का उद्भव पढ़ते हैं या पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो आरंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत में हम इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें पृथ्वी का उद्भव ही पढ़ना है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ब्रह्मांड तार फैल भी रहा है। तो इन सब बातों के अध्ययन करने के बाद जब हम, दरअसल हम चूंकि पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो हमारा मूल फोकस जो है यहां पर जो है पृथ्वी पर आ जाता है कि हम यहां पर ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी आखिर उत्पन्न कैसे हुई। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमें पता है कि पृथ्वी पर स्थल मंडल, मतलब जिस पर हम रहते हैं, वायुमंडल जिससे हम सांस लेते हैं, और जलमंडल जहां पर जो है सारे जलीय जीव हैं वो रहते हैं, उनका विकास आखिर कैसे हुआ। तो स्थल मंडल का विकास, वायुमंडल और जलमंडल का विकास जो है वो कैसे हुआ, और कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई पानी में ही सबसे पहला जीव जो था वो उत्पन्न हुआ था, तो आखिर जीवन उत्पन्न कैसे हुआ, जीव किस तरीके से हमारे अंदर जान आई, वो सारी चीजों का अध्ययन हमें करना है जीवन की उत्पत्ति इस टॉपिक के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो रोड मैप है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत। देखिए, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ 11th क्लास में बल्कि आफ्टर 12th अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो पूछे जाते हैं। और सिर्फ ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, ये जरूरी है जानने के लिए कि आखिर जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसकी उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले हमारे इस प्रश्न का उत्तर तो मिल जाए, तो इन सारी बातों का अध्ययन जो है हम लोग इस चैप्टर में बहुत विस्तार से करने वाले हैं।
इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेट ब्रेंच की परंपरा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं वो यहां पर डिस्कस करते हैं, मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक में जिन प्रश्नों को दिया गया है उनके मॉडल आंसर्स जो हैं, अगर वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनके मॉडल आंसर्स जो हैं हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव भी नहीं, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग यहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए दरअसल एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं उनकी एक बाउंड्री या लिमिट होती है, मुश्किल से 4, 5, 2 या 3 दिए होते हैं। आखिर क्या इतने प्रश्न कर लेने भर से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि उस चैप्टर में ऐसे कौन से हिडन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि जो है वो लगातार हो सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, बहुत समझने वाला चैप्टर है। आखिरकार एग्जाम टाइम में आप लोगों की डिमांड होती है, सर इतना सारा कैसे पढ़े, कुछ आईएमपी बता दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो मुझे लगता है, जो हमें लगता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं MIQs सीरीज में। इसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। देखिए अगेन एग्जाम टाइम में आप लोगों की डिमांड होती है, सर चैप्टर बहुत बड़ा है, मल्टीपल वीडियोस में बना हुआ है, कोई एक ऐसी वन शॉट वीडियो बना दीजिए जिसके माध्यम से हमें एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके और पूरी वीडियो और पूरा जो चैप्टर है हमें एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। तो वन शॉट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो 1 घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम में जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसके माध्यम से पूरा चैप्टर आप लोगों को जो है विभिन्न स्लाइड्स में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बुक में जो बातें लिखी हुई हैं, जो टॉपिक आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं, जो नवीन एनसीईआरटी बुक है उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद यहां पर हम लोगों की स्टार्ट शुरू होती है एक्सरसाइजेस। तो ये हमारा पैटर्न है, मैग्नेट ब्रेंस का पैटर्न है। मैग्नेट ब्रेंस इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता है। साथ ही साथ हम लोग वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप पीछे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ई नोट्स और ईबुक्स की रिक्वायरमेंट है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से एक्सेस पा सकते हैं। आप हमारे डे टू डे अपडेट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जो डे टू डे अपडेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कौन से हमारी जो अपडेट्स हैं आप लोगों को कहां पर मिलेंगी, वो मिलेंगी आप लोगों को YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram और WhatsApp चैनल पर। आप लोगों को करना क्या है, बस इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और किसी चीज में डाउट हो तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग चैप्टर की सारी बातों को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।